नेक्स्ट गुरु, आज 1 फरवरी स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, 2021 में विश्व कुष्ठ दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 31 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? रिपोर्ट जारी की है अर्थशास्त्री इंटेलिजेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में पाकिस्तान को निम्नलिखित में से किसके लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बासमती चावल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रैंक क्या है? तो भारत के ORF की रैंक जो है ये है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसने राम मोहन राव अमारा को कंपनी का नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो राम मोहन राव अमारा जो है ये बने SBI कार्ड भुगतान सेवा के MD और CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटसफिन और SBM बैंक इंडिया ने अपने सह ब्रांडेड संपर्क रहित प्रीपेड कार्ड के लॉन्च की घोषणा की है। स्टेटसफिन किस देश में स्थित है? तो ये है सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान के पेगाट्रॉन कॉरपोरेशन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से किस राज्य में मोबाइल फ़ोन और पार्ट्स बनाने के लिए निवेश करेंगे? तो करेंगे तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की योजना विदेश के चुनिंदा लोगों को नागरिकता देने की है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका आधारित पेमकोर ग्लोबल सर्विसेज का 8.25 मिलियन USD में अधिग्रहण करेगा? तो यह हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS कॉर्प को बिजनेस इंटेलिजेंस ग्रुप द्वारा निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पादों की श्रेणी में 2021 बिग इनोवेशन अवार्ड्स में विजेता घोषित किया गया है? तो यह है कॉन्टेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एनोमली नामक हेयर केयर लाइन की घोषणा की है जो पूरी तरह से शाकाहारी और पर्यावरण के अनुकूल है? तो यह है प्रियंका चोपड़ा जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितकारा यूनिवर्सिटी ने अपने प्रमुख कार्यक्रम नोवेट 2021 के किन संस्करण को लॉन्च किया है? तो यह है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने किस राज्य में 79 करोड़ की अतिरिक्त राशि की पूंजी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये दिए है तेलंगाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करेगा क्योंकि उसने कितने वर्षों बाद विजय हजारे ट्रॉफी चुनी है? तो यह है 87 वर्षों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में चौथे स्थान पर कौन सर्वोच्च स्थान पर रहा? तो ये है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने प्रदीप कुमार पुजारी के निम्न में से किसके अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के मध्य तक बढ़ाया है? तो बढ़ाया है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सहवाल गुप्ता का जनवरी 2021 में निधन हो गया, वह किसके संस्थापक थे? तो डॉक्टर सहवाल गुप्ता जो है ये थे ACI विकास अनुसंधान संस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जेवर में आने के लिए हवाई अड्डे के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 4,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? ये किए हैं उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में AIADMK आइकन MG रामचंद्रन और जय ललिता को समर्पित मंदिर का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था के पलानी स्वामी और ओ पन्नीर सेल्वम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर को प्राप्त होगा? तो डॉग पार्क होगा चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में ACI क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है जय शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में सोफी जियोन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सोफी जियोन जो है ये संबंधित थी संगीत यानी कि सिंगिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में इंद्रजीत देव का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? तो इंद्रजीत देव जो है ये थे अभिनय यानी एक्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस शहर में सेंट्रल पार्क में एक दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया था? तो ये देखा गया था न्यूयॉर्क में।